हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हूँ छोटा मोर्सेजर। नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाला है कि आप इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे बनाएं मजबूत। तो चलिए जानते हैं उसकी खास टिप्स। तो आप अपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो नियमित आपको योगा अभ्यास करना है। यदि आप नियमित योगा अभ्यास करते हैं तो यह आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए बहुत कारगर है और सिद्ध होगा, इसलिए इसका अभ्यास आपको नियमित रूप से करना चाहिए। योगा अभ्यास जरूरी होता है आपके सेहत के लिए। तो उसके बाद है व्यायाम का कोई खेल। तो अगर आप रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी दिनचर्या में व्यायाम या किसी खेल को शामिल करें, यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। उसके लिए आपको घर का बना शुद्ध भोजन व हरी सब्जियां अपनी डाइट में पौष्टिक आहार में लेनी चाहिए, और घर का बना हुआ ताज़ा खाना खाने से आप स्वस्थ रहेंगे और शरीर रोगों से लड़ने के लिए तैयार रहेगा तथा आपकी इम्यून सिस्टम मजबूत होगी। साथ ही हरी सब्जियां का भी सेवन करना चाहिए आपको। और आपको आंवले का सेवन आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। यह आपकी किसी भी रूप में खा सकते हैं इसे। और फल खाना यानी कि खट्टे फल, तो फलों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, खास करके खट्टे फल जिनमें अम्लीय तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि संतरे, ग्रेपफ्रूट, मौसम्बी, नींबू, नारंगी, संतरे आदि। यह विटामिन से आप सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है इस लोगों। प्रतिदिन तुलसी की चाय पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता में थोड़ी वृद्धि होती है, और साथ ही तुलसी के पत्तों को अच्छी तरह सुबह के समय चबाकर भी आप खा सकते हैं, और रक्त प्रतिरोधक क्षमता के लिए इन्हें जरूर शामिल करें। यह दाल, गुड़, दूध, शुद्ध तेल, कोई भी रिफाइंड बिल्कुल भी इस्तेमाल में न लें। को दूध, दही, लस्सी व घी इन्हें अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। ध्यान रहे कि दही का सेवन आपको रात में ही नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं उन चीज़ों के बारे में जो आपकी इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बनाती है। तो वे हैं मैदा व इससे बनी चीज़ों को आप स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुँचती है, और इनसे दूसरी बनाई जैसे कि ब्रेड, नॉन भटूरे, बर्गर, पिज्ज़ा, जलेबी, समोसा, कचौरी, पवा, पाव भाजी, ये सब चीज़ों को आप ना खाइए। ये सब चीज़ें ना खानी चाहिए। चीनी बिल्कुल नहीं खाइए और कोई भी जंक फूड न खाइए। इनसे दूरी ही बना ही बेहतर है आपसे। और इन एल्यूमिनियम के बर्तनों में आप खाना बनाना बंद करें, और कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं पिए, और पैकिंग वाली चीज़ें तो ना ही खाए तो ही अच्छा रहेगा। तो इससे आपकी इम्यून सिस्टम खराब होती है और आप कमज़ोर होती है। फ्रेंड्स, ये थे हमारे इम्यून सिस्टम के कुछ फायदे और नुकसान। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।